नमस्कार, स्वागत है आपका माय ज्योतिष में। हीरा एक अत्यंत मूल्यवान खनिज है जो कार्बन का सबसे शुद्ध एवं प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। ये कार्बन का अपरूप है। भारत का नाम अत्यंत प्राचीन काल से ही हीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध प्राचीन रहा है। प्राचीन काल में ही गोलकुंडा की खान से निकाला गया कोहिनूर हीरा सदियों तक आकर्षण का केंद्र बना रहा। हीरे केवल सफ़ेद ही नहीं होते, अशुद्धियों के कारण इसके शेड नीला, लाल, संतरा, पीला, हरा व काला भी होता है। हरा हीरा सबसे दुर्लभ है, इसमें हीरा भी होता है और इसमें नौ रत्नों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हीरा शुक्र ग्रह का रत्न है। हीरा एक प्रकार का बहुमूल्य रत्न है जो बहुत चमकदार और बहुत कठोर होता है। हीरा रत्न अत्यंत महंगा व दिखने में सुंदर होता है। आमतौर पर व्यक्ति इसे सौंदर्य के तौर पर लेकर पहनते हैं, परंतु ज्योतिष के अनुसार इसके कई लाभ व हानियाँ भी होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर व्यक्ति हीरे को धारण नहीं कर सकता। माना जाता है कि हीरे को धारण करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती, परंतु कई व्यक्तियों पर इसका असर बिल्कुल विपरीत होता है, जिससे कि माना जाता है कि हीरा धारण करने से पहले कुछ बातों को जान लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में हीरा को शुक्र रत्न माना जाता है। इस रत्न को धारण करने के पीछे की वजह है शुक्र को प्रभावी बनाना। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र प्रभावहीन होता है, उनके जीवन में अनेक तरह की परेशानियाँ आती रहती है। ज्योतिष में शुक्र को प्रेम व समृद्धि का कारक माना जाता है। शुक्र की कृपा होने पर जातक सुख समृद्धि का भोगी बनता है, लेकिन यदि शुक्र खराब हो या किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो तो ऐसे में शुक्र से मिलने वाली खुशियां नहीं मिल पाती है। प्रेम के कारक होने के चलते इनका मान और भी बढ़ जाता है। प्रेम के बिना दुनिया निराश सी लगती है। हर प्राणी को प्रेम चाहिए, इसीलिए ज्योतिष कहते हैं कि शुक्र को मजबूत करने के लिए हीरा धारण करना चाहिए, लेकिन इससे पूर्व एक बार कुंडली का आकलन करवाना ना भूलें। धारण करना वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वाले जन्म जातकों के लिए शुभ होता है। वृश्चिक और तुला लग्न के जातकों के लिए हीरा सदा लाभकारी होता है, लेकिन मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न में हीरा पहनना शुभ नहीं होता है। इनमें से वृश्चिक लग्न के जातकों को तो हीरा भूल से भी नहीं पहनना चाहिए। यदि आप फैशन के तौर पर भी हीरा धारण कर रहे हैं तो आपको ज्योतिषाचार्य से परामर्श जरूर कर लें, अन्यथा आपको इससे हानि का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र महाराज काम के देवता है। इनकी प्रसन्नता मानव जीवन को सृजन, कला व आनंद से जोड़ती है। अतः यथा योग्य स्थिति की गुयात कर हीरा धारण करने पर शुभता में वृद्धि होती है। हीरा रत्न अनामिका में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को अभिमंत्रित कर शुक्र के 16,000 जाप ओम शु शुक्राय नमः करवाकर धारण करने का विधान है। हीरा के साथ मोती, माणिक्य, मुंगा तथा पीला पुखराज धारण करना निषेध है। हीरा धारण करने के फायदे, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि हीरा धारण करने से शुक्र मजबूत होते हैं, जिससे जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। हीरा धारण करने से धारक के अंदर आत्मविश्वास व सम्मोहन शक्ति मजबूत होती है। धारक ही लोग आकर्षित होते हैं, प्रेम को यह भी बढ़ावा देता है। विपरीत लिंग के लोग अधिक संपर्क में आते हैं, वैवाहिक जीवन में सुखमय होता है। ज्योतिषों का कहना है कि कला, मीडिया, फिल्म व फैशन से जुड़े लोगों के लिए धारण करना शुभ होता है, लेकिन ज्योतिषीय परामर्श पर नहीं तो इसका बुरा असर देखने को मिलता है। धन्यवाद।